हर्षवर्धन जी, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि जिस दिन विनेश फोगट अब कांग्रेस की नेत्री बन गई हैं, इस पूरे कॉज की, इस पूरे प्रोटेस्ट की गंभीरता कम हो गई, अब ये शुद्ध राजनीति है, उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए था? हर्षवर्धन जी, नहीं पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा रहस्य नहीं रह गया ना, अब तो ये सब कुछ सामने है, और मैं कह रहा हूं कि अब इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए। चुनाव के समय में एक पार्टी के दो नेता हैं, बजरंग पुनिया अगर इतना कुछ होता आज अकेले ज्वाइन करते, तो क्या कोई ऐसा है कि किसी खिलाड़ी को सीधे उसकी किसान सभा का वर्किंग चेयरमैन बना दिया जाए? इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ इतना भर नहीं है कि जो पहलवानों का आंदोलन था, जो किसानों का आंदोलन था, वो किस तरह से किया गया, उसमें किस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया रहे, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, बृजभूषण शरण सिंह पर बहुत गंभीर आरोप है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, और उस चार्जशीट के आधार पर न्यायालय तय करेगा अगर बृजभूषण शरण सिंह अपराधी हैं, दोषी हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन ये तो सच दिखता है कि बजरंग पुनिया बिना प्रॉपर ट्रायल के चले जाते हैं, विनेश फोगट दो दो वेट कैटेगरी में खेल लेती हैं और कहती हैं कि हम भला क्यों देंगे, हम क्यों ट्रायल में शामिल होंगे। जब इस तरह की बात होती है, और उसको और पीछे जाए तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ये शुरू से ही इसको सरकार के खिलाफ बना रहे थे। क्या अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री के तौर पर इनसे नहीं मिले थे? क्या पीटी उषा, देश की महान खिलाड़ी, उड़न परी, वो जंतर मंतर पर मनाने के लिए इनको नहीं गई थी और पीटी उषा को अपमानित नहीं होना पड़ेगा? तो मुझे पड़ा था, तो मुझे लगता है कि ये कोई अब बहस नहीं रह गया। बहस ये होनी चाहिए कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस को बड़ा लाभ देने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद अब आंदोलन वाला जो लाभ था वो कांग्रेस को नहीं मिलेगा। एक नेता के तौर पर उनका स्वागत है, हर किसी को ये अधिकार होता है, कोई भी कहीं जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर अब साख नहीं रह गई, साख पर बड़े सवाल हो गए हैं, और पूरा पहलवान आंदोलन वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये भी जरूर कहा जाए। भाटी जी, साख पर सवाल? देखिए, ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के नेतृत्व में हमारी पहलवान बेटियों के लंबे संघर्ष के बाद जब न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया, तब जाके FIR दर्ज हुई, वरना माननीय अमित शाह जी के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस FIR तक दर्ज करने को तैयार नहीं थी। फिर FIR दर्ज होने के बाद जब दिल्ली पुलिस ने जाँच की, तो दिल्ली पुलिस ने पाया कि पहलवान बेटियों की शिकायतें जायज थीं, और पुलिस ने बार बार कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया, और उस चार्जशीट पर न्यायालय ने चार्ज भी फ्रेम कर दिए हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें सजा भी होगी ब्रजभूषण सिंह को। तो इसका लब्बोलुआब क्या निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी अंतरराष्ट्रीय पहलवानों की शिकायत सुनने तक को तैयार नहीं थी, जब तक न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया, पुलिस उठा उठा के उन्हें पकड़ी जंतर मंतर से। उल्टा आप तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार और वो पुलिस जो कि अमित शाह के इशारों पर चलती है, आपके मुताबिक वो सब कुछ कर रही है जो कि पहलवान चाहते थे। उन्होंने चार्जशीट भी दर्ज की, और आप तो गारंटी दे रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को सजा भी दिलवा देगी यही पुलिस, तो आप राजनीति क्यों? मैं तो ये कह रही हूं कि जो पूरा मूवमेंट था उसकी साख पर सवाल है, ये कहा जा रहा है। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह की बात है, वो अलग केस चलता रहेगा, पर ये जो पूरा प्रदर्शन था उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पदमजा जी, पहले दिन जब बेटियों ने शिकायत की थी, पुलिस FIR कर दी थी, जांच शुरू कर दी थी, कोई आंदोलन नहीं होता। आंदोलन तो भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण हुआ। माननीय मोदी जी मौन धारण किए रहे, एक शब्द नहीं बोले, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान धरने पर बैठी थी, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के अपराधियों को बचाने के कारण आंदोलन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था आंदोलन, तो कांग्रेस के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए पूरे देश की बेटियों को कि कांग्रेस पीड़ित बेटियों के साथ खड़ी थी उस समय। और अगर आज विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो इसमें गलत क्या है, अपराध क्या है? सच्चाई तो यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होनी है, और ये विनेश फोगाट जहां जहां जाएंगे लोग उसे समर्थन करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं दिखी, चलिए रमन मलिक जवाब देंगे, रमन मलिक जवाब देंगे। हाँ, रमन मलिक,
सुकन्या देवी का ढूंढने की क्या जरूरत नहीं है इनको, वो भी तो यूपी की बेटी है, सुकन्या देवी यूपी की बेटी थी ना, वो गायब हो गई, उनसे पूछे ढूंढते क्यों नहीं है उसको, एक बारी उस कंट्रोवर्सी को भी तो खत्म करें। बताइए राजकुमार जी। मैं जवाब दूं पदमजा जी? हाँ बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बड़ी, मतलब मैं क्या कहूंगा, ऐसा दोगलापन है कि जब ये घिरते हैं, जब इनकी पोल पट्टी खोली जाती है तो ये दूसरी घटना गिनवाने पड़ लगते हैं, किसी दूसरे की गलती या दूसरी जगह हुए अपराध से इनके अपराध कैसे माफ हो जाएंगे। इस सवाल तो पहले ये है जो विषय आज विनेश फोगाट का, ये जवाब दें कि ये बेटियों की बात क्यों नहीं सुन रहे थे। हमारे किसी नेता ने ये नहीं हुई हूँ, उनमें कोई दोषी रहा हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, ये हमारे नेता ने नहीं बोला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक इशू के लिए जब आप खड़े हो सकते हैं तो उसी प्रकार का दूसरा इशू भी है, उसके लिए आपका स्टैंड डिफरेंस क्यों हो जाता है? आप इतना दोहरे मापदंड कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है, ना कि भाजपा पार्टी के ऊपर आरोप है। हमने किसी को नहीं बचाया और कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। मैं तो अब आपसे ये पूछता हूं, क्या आप ये बोल रहे हैं कि कोर्ट जो है वो इनकॉम्पिटेंट है ये काम करने के लिए कि वो अगर वो गिल्टी होंगे तो उनको सजा दी जाए? और कठुआ के जो रेप, कठुआ के जो विषय में थे वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी में बाकी भी हैं, और आप हमको कहानी सुनाने चल रहे हैं। और यही बात अखर रही है, यही बात अखर रही है।